आदमी पार्टी। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन उसके बावजूद एक एक करके जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ईडी की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं और तमाम जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उसके बाद एक बार एक नई राजनीति फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। आज सुबह जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी सिंह व सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक बार फिर से बैठे बिठाए बीजेपी और आप में सियासी वार छिड़ चुका है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा जो संयोजक हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहां से एक बार फिर से आज़ादी की अलख और एक तरह से कानून के संरक्षण के तौर पर जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, उसके बाद अब जो मोर्चा संभाल लिया है उनके अन्य सिपाहियों ने। लेकिन आज सुबह जिस तरह से आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि भाई उन्हें बीजेपी से ऑफर आया है कि बीजेपी को ज्वाइन करो वरना जेल जाना पड़ेगा, कुछ वही बात आम आदमी पार्टी में बड़े नेता व दिल्ली सरकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई साफ साफ तौर पर देश में भय का माहौल है और ये देश में जो भय का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ईडी सीबीआई आईटी और जो पुलिस के माध्यम से ना सिर्फ देश के लोगों के अंदर बल्कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं, जो बड़े संवैधानिक पदों पर हैं, उनके मन में भी खौफ पैदा कर दिया है। बहरहाल कौन सच्चा है कौन झूठा है इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। राजनीति में आज बड़ी खबर जहां पर केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब आपका बड़ा आरोप, आतिशी सिंह ने कहा कि आप नेतृत्व को गिरफ्तार किया गया है। आतिशी बोली कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी मिला है और अगले नंबर जो है वो सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और वो खुद हैं। तो आज सुबह से दो बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए एक एक के बाद एक, और यहां पर आतिशी सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप नेतृत्व को गिरफ्तार करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की ईडी के माध्यम से, और उन्हें उनके बेहद करीबी सूत्र ने ये जानकारी दी है और बकायदा उन्हें ऑफर आया है कि बीजेपी ज्वाइन करो अन्यथा जेल जाना पड़ेगा। साथ ही आतिशी सिंह ने कहा कि चार बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार बहुत नजदीक आ गई है, उनमें उनका खुद का पहला नाम आतिशी सिंह, फिर सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा आतिशी सिंह ने, सौरभ भारद्वाज ने और बीजेपी ने क्या कुछ सियासी पलटवार किया वो आपको सुनवा देते हैं। इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। अगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश है, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने जिनपे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए, अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि ईमानदारी की होती अगर नीयत तुम्हारी
तो तिहाड़ तक न जाती है यात्रा तुम्हारी। अपने लिए कट्टर ईमानदार जोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेल भेज दिए गए तिहाड़। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और वो भी इसलिए भेजा, दिल्ली की जनता को और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया आपका अपना मोबाइल कहाँ है, वो बोलते हैं याद ही नहीं कहाँ है, मेमोरी लॉस हो गई उनकी। आप कट्टर ईमानदार और आप मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, कहां छुपा दिए, उसको भी तोड़ ताड़ के कूच दिए, जला दिए, और जो मोबाइल उपलब्ध करवाते हैं सेकेंड थर्ड जो भी, बोलते हैं इसका पासवर्ड नहीं याद है हमको। तो इन दो लाइनों के बाद देश की जनता को पता चल गया कि ये व्यक्ति तो भ्रष्टाचारी तो है ही, लेकिन ये आपराधिक मानसिकता वाला भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। तो सुना आपने किस तरह से तमाम सियासी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर करप्ट, या फिर मेरा प्रोटेस्ट वर्सेस तेरा प्रोटेस्ट, या फिर मेरा सत्य घोटाला तेरा झूठ घोटाला के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी का ऑफर कितना सच से कितना झूठ पर आकर टिक गया है। बहरहाल जो तमाम नाम निकलकर इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो तमाम साथी हैं उनकी स्थितियां क्या कुछ नजर आ रही हैं, कौन कहां पर इस वक्त है। ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के बिल्डिंग पिलर्स थे। सबसे पहले नाम पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का, जो उस वक्त शिक्षा मंत्री भी थे। इस वक्त जेल नंबर एक में ये बंद हैं, काफी लंबे समय से सजा काट रहे हैं। दूसरा चेहरा जेल नंबर चार में बंद विजय नायर, जिसके बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया, के कविता, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर नजर आ रहा है। इसके अलावा जेल नंबर चार में आपको बताया कि विजय नायर, इसके अलावा जेल नंबर दो में खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो तिहाड़ जेल की जेल नंबर दो में बंद है। जेल नंबर पांच की अगर हम बात करें तो संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, काफी कमजोर केस बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इन्हें बेल नहीं मिल पाई है। जेल नंबर छह में बीआरएस नेता, जो दिल्ली शराब घोटाले में कहीं ना कहीं एक मुख्य जरिया बनी, के कविता की बात हो रही है। जेल नंबर सात में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन। ये तमाम वो लोग हैं जो एक एक करके आम आदमी पार्टी के बिल्डिंग पिलर कहे जा रहे थे, लेकिन अब अलग अलग बैरक्स में बंद हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। लेकिन बड़े सवाल एक के बाद एक जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज कहते नजर आते हैं, जो खुद आज आतिशी सिंह कहती नजर आई कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये लोग धराशाही करना चाहते हैं, नेतृत्व को ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। यही कारण है कि भाई अब गिरफ्तारी का जो नंबर है वो कुछ और नेताओं का आ गया है। बहरहाल इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने करके रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? पहला महत्वपूर्ण सवाल समझने की कोशिश की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, जहां पर सवाल ही खड़ा हो जाता है क्या आपके आरोपों में कितना दम है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी तमाम सियासी आरोप लगाती रही, लेकिन बीजेपी ने साफ कहा ये महज आरोप हैं, आरोपों की क्या बात। इसके अलावा तीसरा, घोटाले में जो नए किरदार हैं वो कौन निकलकर सामने आ सकते हैं? अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद क्या अब अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है? तीसरा चौथा महत्वपूर्ण सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज पूरी तरह से फंस चुके हैं? इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जेल से कितने दिन चल पाएगी, और क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और अब अगला दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम की शोभा बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ, नेता कांग्रेस विशाल कुमार यादव, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सोनी। तीन मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में
जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मौजूदा स्थिति क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है और जो तमाम आरोप इस वक्त आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इन तमाम आरोपों पर क्या कहना है। नरेंद्र सोनी जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। तमाम सवालों के कटघरे में इस वक्त आम आदमी पार्टी है, पूरा शेष नेतृत्व वाकई में धराशाही होता हुआ नजर आ रहा है और आज सुबह जिस तरह से आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए कि अब अगला नंबर उनका है और उनके साथ दो और नेता हैं, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी सीधा स्पष्ट सवाल करती नजर आई है कि इससे पहले भी आपने कहा था कि 21 आम आदमी पार्टी के एमएलए को बीजेपी में आने के ऑफर दिए गए, जब बीजेपी ने कहा कि किसने ऑफर दिया, कहां का ऑफर दिया, कितनी रकम ऑफर की गई, कोई डिटेल्स आपकी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आई और आप जब खुद आतिशी सिंह कहती नजर आ रही हैं कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, बीजेपी फिर पूछ रही है किसने ऑफर दिया, कहां का ऑफर दिया, नाम बताएं। अच्छा कुणाल भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जब ये बीजेपी वाले पूछते हैं कि बताओ किसने आपको ऑफर दिया। तो पंजाब के अंदर तो खैर विधायकों ने जब बताया, ये खुलासा किया, तो उन्होंने फोन नंबर भी जारी किया, ये पहले फोन नंबर बहुत मांगते थे। अभी दिल्ली के एक विधायक ऋतुराज झा हैं, उन्होंने भी एक नंबर भी जारी किया, उस पे कौन सी एजेंसी ने जांच की अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि अगर मान लीजिए आतिशी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके अगर भाजपा से डील कर लेती और चली गई होती भाजपा में और वहां जाके ये कह देती कि जी हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं तो बीजेपी बढ़िया इनके साथ आ गई, तो क्या कोई आतिशी से या भाजपा से कोई ये पूछने जाता कभी कि भाई क्या डील हुई, आपने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? तब भी सब यही कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार हुआ होगा तभी इन्होंने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर जी। आज अगर वो सामने से आकर कह रही हैं कि भाई इस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं तो फिर तब भी यही कहा जा रहा है। आखिर आदमी को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज इस देश को इस कागार पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज जितने भ्रष्टाचारी हैं इस देश के वो तो सारे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भर्ती कर लिए। आप इनसे ये पूछिए ना कि अजीत पवार से क्या डील हुई थी कि अपनी पार्टी तोड़ के आइए और आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। आप इनसे पूछिए सुशील कुमार शिंदे से आपकी क्या डील हुई थी और कौन था वो डील करने वाला जिसने पार्टियां तुड़वाई। आप इनसे पूछिए जब उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के 11-12-15 विधायकों को जब तोड़ा गया तो कौन गया था भाजपा का डील करने के लिए। ये सब बातें अपने आप में कितनी चिंताजनक है इस देश के लोकतंत्र के लिए और भाजपा वालों को जरा भी शर्म नहीं आती है टीवी चैनल पे आके कि बताइए किसने। अरे भाई नंबर नहीं, लेकिन सर इंट्यूशन पर सवाल उठेगा ना अगर चले आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता खुद आकर अपनी गिरफ्तारी से पहले दुनिया भर का शोर करते हैं। मुझे याद है आज भी मनीष सिसोदिया कहते नजर आ रहे थे कि मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी उनकी हो गई। संजय सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे कब डर सता रहा है कि कभी वो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अरविंद केजरीवाल भी कहते नजर आ रहे थे, उन्होंने तो बाकायदा दिल्ली के एक स्टेडियम में बाकायदा सर्वे तक करा दिया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का, कि अगर मुझे जेल हो गई तो क्या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। अब आतिशी सिंह खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जा सकता है, दुर्गेश पाठक को, राघव चड्ढा को, तो सवाल तो उठेगा कि भाई ये इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज कहां से आती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन बन जाता है फिर आप? देखिए कुणाल भाई, ये तो आज देश के सामने क्लियर है ना कि ये दो ऑफर देते हैं कि या तो भाजपा में आ जाइए नहीं तो फिर जेल जाना स्वीकार कर लीजिए, और ये हो रहा है, ये तो मतलब खुले में ओपन है देश के सामने है कि या तो भाजपा में आई और जो भाजपा में चला गया वो बढ़िया साफ शुद्ध होके उसको बढ़िया ये कहीं अच्छी खासी पोजिशन पे बिठा देते हैं, जैसे हेमंत विश्व शर्मा को बिठाया, अजीत पवार को बिठाया, शुभेंदु अधिकारी को बिठाया, नारायण राणे को बिठाया, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो देश का कई हजार करोड़ रुपया लेकर भाग गए उनपे कभी ईडी सीबीआई ने उनको ढूंढने का प्रयास नहीं किया, जबकि इन्हीं के वकील, इन्हीं के नेता बांसुरी स्वराज कभी इन्हीं के वकील उनसे मिलते रहते हैं, लगातार उनकी वकालत भी करते हैं जो पैसा लेके भाग गए। ये देश के सामने इन्होंने केवल और केवल एक नौटंकी मचा रखी है भाजपा वालों ने,
और यहाँ बैठ के टीवी पे हमारे से पूछेंगे। अगर बताइए कि अगर चली ही गई होती वो भाजपा में तो कौन बताता, ये कौन खुलासा करता, बताइए ना। नहीं, लेकिन अब आतिशी जी ने खुलासा कर दिया है कि उन्हें बकायदा ऑफर आया है, तो इस बात की भी जांच पड़ताल होगी और बीजेपी वालों से भी सवाल किया जाएगा। डॉक्टर आशीष हांडा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष, सीधा सवाल है कि आखिरकार तमाम कौन ऐसे नेता हैं जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऑफर दे रहे हैं, और यहां पर ऋतुराज सिंह झा, ऋतुराज झा का नाम यहां पर लेते हुए नजर आए, नरेंद्र सोनी जी, तमाम डिटेल्स तो पहले भी जारी की गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही, और बकायदा जिस तरह के तमाम समीकरण नजर आ रहे हैं, आतिशी सिंह कह रही कि भाई पूरा नेतृत्व तो आप जेल के अंदर डालना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का, सबसे ज्यादा खतरा आपको उस वक्त इससे आम आदमी पार्टी से है। कुणाल जी, आपको मेरे आदरणीय दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी देखिएगा, मैं आपको कुछ भविष्यवाणियां करके बताता हूं। जब आप बात कर रहे थे ना नरेंद्र जी से, तो मुझे पता था अगले से 2 से 4 मिनट में अब आप मुझसे बात करेंगे, फिर आप मेरे से कुछ पहने सवाल दागेंगे, मेरे से सवाल दागने के बाद आप कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाएंगे, और मैं ये भी भविष्यवाणी कर देता हूं कि लगभग अब से आधे घंटे बाद आप ये डिबेट शो को खत्म कर देंगे। अब ये भविष्यवाणी है क्या? ये कॉमन सेंस की बात है कि मुझे पता है इस प्रोसेस में इसके बाद ये होना है। ठीक है, ठीक। जब अरविंद केजरीवाल यानी आपके सरगना यानी आपके मुखिया यानी आपकी पार्टी के संयोजक यानी किंग पिन जिनको कहा गया लीक्वर स्कैम में, जब वो खुद ईडी के सामने आतिशी जी का और सौरभ जी का नाम लेते हैं कि विजय नायर मुझे नहीं इनको रिपोर्ट करता था, तो वो मालूम क्या था कि भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। तो अब आतिशी को पता है कि जब मेरा नाम ले दिया गया ईडी के सामने और जब ईडी ये बात कोर्ट के सामने कह रही है तो अरविंद केजरीवाल वहां कोर्ट में उपस्थित हैं, वो इस बात का खंडन नहीं करते, मिलॉर्ड मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, उनका वकील भी खंडन नहीं करता, जिसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने ऊपर तनी हुई बंदूकें और तोपों का मुंह अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ मोड़ना चाहते हैं। तो आतिशी को भली भांति पता है कब ईडी मेरे पीछे पड़ जाएगी, पीछे पड़ेगी तो क्या करेगी, मेरे घर पे रेड करेगी, फिर क्या करेगी, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी, फिर क्या करेगी, जब मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो सच बोलूंगी नहीं, आज तक मेरे किसी नेता ने सच बोला नहीं, तो वो क्या करेगी, मजबूरी में मुझे हिरासत में ले लेगी, और ये सारी बातें पहले से बता के एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करना, एक गलत नैरेटिव बिल्ड करना, ये आम आदमी पार्टी का शुरू से कृत और कर्म रहा है। आप बताइएगा ना, जो खोलने आए थे पाठशाला वो खोल बैठे मधुशाला, जो आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ, एक जन्मी थी एक पार्टी वो इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन के नाम पे उन्हीं के साथ जुड़ गई जिनकी पोल खुलने आई थी, जो कहा करते थे पहले होना चाहिए रेजिग्नेशन फिर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो आज बदलते वक्त के साथ इतना बदल गए कि वो कहने लगे हम करते रहेंगे जो मर्जी कृत, आप करते रहिए जो मर्जी इन्वेस्टिगेशन, पर नहीं होगा कभी भी रेजिग्नेशन। अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति के ऊपर वो भद्दा दाग बन गए हैं, जो पहले सीएम है सिटिंग सीएम जिसको ईडी ने अरेस्ट किया, पहले सिटिंग सीएम जो तिहाड़ के अंदर गए, शर्म नहीं आती आम आदमी पार्टी को, ऐसा भी क्या कुर्सी से प्यार हो गया उनको, भाई आप पाक साफ बन के निकल आओ, आप तो लालू से गए गुजरे हो गए, जयललिता से गए गुजरे हो गए, आप मदलंग खुराना से बात कंपेयर करके देखिए, बीजेपी वालों से आप कंपेयर करते हैं, एक डायरी में उनका नाम सिर्फ आ गया था जो कि कोई इल्जाम एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दिया और पाक साफ जब तक नहीं हो जाऊंगा तब तक किसी पोस्ट पे नहीं आऊंगा ऐसा कहा, जो भ्रष्टाचार से मुक्त कराने आए थे इस देश को और इस दिल्ली को, वो खुद भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि संविधानिक पद पे बैठा कोई व्यक्ति दूसरी संविधानिक एजेंसी को मानता नहीं, बताइए इनको पुलिस पे इतबार नहीं, इनको मीडिया पे दरकरार नहीं, इनको आईएएस ऑफिसर से प्यार नहीं, इनको ईडी सीबीआई पे इतबार नहीं, इनको गवर्नर से कोई लेना देना नहीं, और अब तो कोर्ट तक के ऊपर ये सवालिया निशान उठाने लगे। जब कोर्ट में बैठा एक हाईकोर्ट का जज ईडी को कहे कि आपके पास क्या सबूत है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दिखाइए मुझे, और उसको सीक्रेट चैंबर के अंदर पूरी फाइलें दिखाई जाएं, और फाइलें देखने के बाद वो कहे मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाने से इनकार करता हूं,
यानी ईडी को ग्रीन सिग्नल दे, अब जाइए और इनको गिरफ्तार कर लीजिए, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए। और उसके बाद भी निर्लज्जता से अगर आम आदमी पार्टी के नेता ये कहें कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो शर्म से डूब मरने की बात है ऐसे लोगों के लिए। नहीं, लेकिन सर, कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर करप्ट की राजनीति के बीच जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो जो बीजेपी के साथ हो जाता है वो कट्टर ईमानदार कैसे हो जाता है, जो विपक्ष के नेता हैं वो कट्टर करप्ट होते हैं और बीजेपी के साथ जो जुड़ जाते हैं उन पर तमाम एलिगेशंस अचानक से गायब हो जाते हैं, तमाम वो नाम गिनाते नजर आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर अशोक चव्हाण तक, अशोक चव्हाण से लेकर अजीत पवार तक, अजीत पवार से लेकर आपके हेमंत बिस्वा शर्मा तक, छगन भुजबल तक, ये तमाम नेता ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में थे, बड़े बड़े करप्शन के आरोप थे। बीजेपी कह रही थी कि भाई चक्की पीसिंग इन लोगों की, लेकिन आज वो आप लोग के साथ है तो वो कैसे एकदम अचानक से वो दूध के धुले हो गए। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल की ईडी के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई और अब जो केस चल रहा है, क्या इसने खुद बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया या बीजेपी की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो तमाम भव्य रैली हुई इंडिया अलायंस की, एक ही केंद्र बिंदु था कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी और पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और देश की कानून व्यवस्था, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने पर तुली है। कुणाल जी, आपका काफी लंबा सवाल था, मैं पूरा समझ गया, लेकिन मुझे पर्याप्त समय मिले मैं बताता हूं। आपने दो के हिस्सों में सवाल किया। पहली बात तो जो लोग भी बीजेपी में शामिल होते हैं वो आपके कहे अनुसार वो वॉशिंग मशीन में जाके उनके गुनाह धुल जाते हैं, आपके कहे अनुसार कह रहा हूं मैं, नथिंग पर्सनल अबाउट इट, ऐसा एक ऑपोजिशन का नैरेटिव है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका हम कई बार खंडन कर चुके आप ही के साथ डिबेट में रह के। मैं कई बार ये बात कह चुका कि पहली बात तो ये कि ईडी एक संवैधानिक एजेंसी है, एक फ्री एजेंसी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 से पहले कहा था कि ये पिंजरे में बंद तोता मैना की तरह है ईडी सीबीआई, लेकिन 2014 के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संवैधानिक तरीके से निष्पक्ष रूप से काम करने वाली एजेंसी है, इनको काम करने दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जितने लोगों के आपने नाम लिए, क्या किसी को क्लीन चिट दी गई? जवाब है नहीं। क्या किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रुक गई? जवाब है नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई, जो भी भ्रष्टाचारी है उसको उसके अंजाम तक एजेंसीज लेके जाएंगी। अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं है हमारे मोदी जी, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने दूसरा पक्ष उठाया, वो दूसरी बात को भी हमें क्लियर यहाँ पे कर दूं कि जब भी पीएम के ऊपर, बीजेपी के ऊपर इल्जाम आता है कि भाई इस पार्टी को तोड़ लिया, उस पार्टी को तोड़ लिया, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, पीएम मोदी कभी भी दलों को नहीं जीतते, पीएम मोदी दिलों को जीतते हैं। तो जिसकी जिसकी अंतरात्मा जाग जाती है वो अगर हमारे समर्थन में, यही तो बड़ा सवाल है कि विपक्ष के उतने ही नेताओं की अंतरात्मा कैसे जागती है जितनी आपको समय पर जरूरत होती है। विशाल कुमार यादव जी, विशाल कुमार यादव जी, सीधा स्पष्ट सवाल, कांग्रेस पार्टी क्या आने वाले वक्त में रणनीति बना रही है? एक सेकंड नरेंद्र जी, ओपनिंग कमेंट, समय मिलेगा आपको, ठीक है, डॉक्टर आशीष सुन लीजिए। विशाल कुमार यादव, कांग्रेस पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या रणनीति बना रही है? इंडिया अलायंस के मंच पर हमने तमाम चीजें सुनी, लेकिन अब आपसे समझना चाहिए, सुना कीजिए विशाल प्लीज। अर्णव जी बोलिए। मेरा सीधा स्पष्ट सवाल है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है? क्योंकि एक यही मौका था दिल्ली के रामलीला मैदान पर जब आम आदमी पार्टी का वजूद अस्तित्व नजर आया था और उसने कांग्रेस की यूपीए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका था, लेकिन अब देखिए सियासत किस तरह से 360 का एंगल ले चुकी है, आप दोनों एक ही मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। जी देखिए गोस्वामी जी, पिछले 25 मिनट से डिबेट चला और मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, उम्मीद है कि मुझे बीच में कोई नहीं रोकेगा। आज आपने भी एक गलती कर दी, आज आपने भी एक हेडलाइंस की रिपोर्ट नहीं दिखाई, ब्रेकिंग न्यूज जो आप हमेशा दिखाते थे, मैंने आपके ही डिबेट पे एक ब्रेकिंग न्यूज देखा था, लेकिन आज आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाई। ये देखिए, बिहार से ये सांसद है संजय निषाद, भाजपा के वर्तमान सांसद है, आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ब्रेकिंग न्यूज हुआ करता होता अगर कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी ज्वाइन करता तब, लेकिन नहीं किया, ये बीजेपी का नेता कांग्रेस है, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज आपने नहीं दिखाया। और रही बात भ्रष्टाचार पर, तो उसके लिए भी मैंने आपको कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए भ्रष्टाचारी सामने से आपको दिखाऊंगा, सारे भ्रष्टाचारी हैं। प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने कहा कि क्या किसी का इन्वेस्टिगेशन रुक गया, क्या जांच रुक गई? भाई साहब, दो दिन पहले का रिपोर्ट है, ज्यादा दिन पीछे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा।
दो दिन पहले का रिपोर्ट है, प्रफुल्ल पटेल से जुड़े विमान घोटाला के 840 करोड़ की जांच सीबीआई ने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी, किस लिए बंद कर दी, ये बता दीजिए। आज प्रफुल्ल पटेल जी किनके साथ बैठे हुए? दूसरी बात, आप जाइए अजीत पवार, अजीत पवार जो आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे यहाँ थे तो भ्रष्टाचारी थे, अजीत पवार से जुड़े सिंचाई घोटाला के 72,000 करोड़ की जांच ईडी ने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी, किस लिए बंद कर दी, इसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने कहा कि चुना हुआ मुख्यमंत्री देश में पहली बार तिहाड़ चला गया। अरे भाई साहब, जुमलेबाज को आप मुख्यमंत्री बना दिए, दिखा दीजिए आप मुझे। सुन लीजिए डॉक्टर आशीष, सुन लीजिए प्लीज, क्या क्या बोल रहे हैं नहीं, आप अपनी बात बोल रहे हैं ना, ये बंद कर दी कहां लिखा है, एक बार दिखाइए क्लोजर रिपोर्ट। ए बाबा, कहां रहते हैं आप, कहां रहते हैं आप, कल के परसों का न्यूज़पेपर में लिखा हो, पूरा न्यूज़पेपर छा गया, आप अब तो देखिएगा, तब तो पढ़ा लिखा हो ना, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना है, बहुत अंतर होता है। आप लोग तो पता है, जो भाजपा सिखाएगा वो बोलिएगा, पढ़ाई लिखाई से अगर मतलब होगा, ज्ञान से मतलब तब पता चलेगा। बताइए अरे भाई, आपके पास मोबाइल है सर, पढ़ाई लिखाई ठीक है विशाल, आप उनको पर्सनली नहीं शेयर कर दीजिएगा, वो डिटेल पढ़ लेंगे। आज के डिबेट का टॉपिक क्या है, ठीक है ठीक है विशाल, आप उनको डिटेल शेयर कर दीजिएगा। प्रफुल्ल पटेल, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई, सुनिए, आपने कहा, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था, मैं चुपचाप आपकी बात को सुन रहा था। आपने कहा कि भाजपा ने किसी की एक व्यक्ति तो एक भी जांच बंद नहीं किया, मैं भी आपकी एक भी जांच बंद, आप ये बताइए। अरे भैया, तो सुन कहा रहे आप, सुन कहा रहे आप, आशीष आप सुन रहे हैं, कहा ये बताइए, सुनिएगा थे क्या आप, ये बताइए, सुन लीजिए भैया, किया अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, सुनिएगा आप, ये बताइए, सुनिएगा केवल बोलिएगा, बताइए दिल्ली से आपके बीच में नहीं रखा, सुनने का प्रयास करो, आप ये बताइए, सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है ठीक है। डॉक्टर आशीष प्लीज सुन लीजिए, शायद ज्यादा वैलिड पॉइंट मिल जाएंगे आपको अपनी बात रखने के लिए। सुनने का प्रयास कीजिए डॉक्टर आशीष, सुन लीजिए विशाल को पहले, इसके बाद शायद हो सकता है कि ज्यादा वैलिड पॉइंट आपको मिल जाए अपनी बात को रखने के लिए। जी विशाल कंटिन्यू कीजिए प्लीज। इन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई साहब राजीव गांधी जी का देन है डिजिटल क्रांति, आपके पास भी मोबाइल है, गूगल भी होगा, उसमें जाकर लिख लीजिए कि प्रफुल्ल पटेल की जांच किस दिन बंद हुई, डिटेल शेयर कर दीजिएगा, मुद्दे पर लौट कर आइए। चाइनीज से पैसा क्यों मिला था, वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस जिस तरह से खड़ी हुई है, आखिरकार कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है, कब तक आप कितना आपको डिफेंड करेंगे, क्या दे रहे थे अभी आप ही, क्या दे रहे थे ज्ञान के मुताबिक बात कर रहे हैं, इन जैसे पत्र पत्र पर आपको बुलाइए ना, तो कृपया हमें ना बुलाया जाए, इन जैसे पत्र पत्र आपको बुलाइए ना, हमें बुलाया जाए। आप ये बताओ कि साथ में बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकते कि अरे भाई साहब, सुनने का क्षमता रखिए, कोई नहीं है, श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, उम्र बढ़ गया गांधी को भी बढ़ी नहीं रहा, उम्र बढ़ गया बुद्धि बढ़ ही नहीं रहा, अरे भैया उम्र है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, आप हमसे काफी बड़े हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, आप ये बताओ विशाल अपना दो मिनट पूरा लीजिए और बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। पिछले 25 मिनट से दोनों प्रवक्ताओं ने बोला, मैंने दोनों के विषय कुछ नहीं बोला, कंप्लीट कीजिए, ये लोग बीच में बोले जा रहे हैं, अगर इन जैसे लोगों का डिबेट रुके तो कृपया मुझे नहीं बोलिए, हर तरह के नेता होते हैं ना सर, आशीष किसको ये है ना कि भाजपा के लोग हैं, इन सुनते क्या मतलब झूठ बोलो, झूठ बोलो, विशाल आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जितना टाइम आपका अलॉट किया जाएगा, प्लीज विशाल मुद्दे पर आइए प्लीज। जी जी, डिबेट के टॉपिक पे रहिए विशाल जी, ठीक है आशीष प्लीज। अरे भाई साहब, आप ज्ञान दे रहे हैं, अभी अब राजीव गांधी पर चले गए फिर डिबेट पे बोल रहे हैं, जब प्रफुल्ल पटेल पर बात आई तो राजीव गांधी बोले तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्यों जांच बंद हो गया, क्यों हेमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया, क्यों हेमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया, हेमंता बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री किसने बनाया, हेमंता बिस्व शर्मा का मुख्यमंत्री रघुवर दास गवर्नर कैसे बन गया, 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 नारायण राणे का घोटाला क्यों बंद हो गया, अजीत पवार का घोटाला क्यों बंद हो गया, अधिकारी का घोटाला क्यों बंद हो गया, आज उसको सिंचाई में खिला रहे हो, शिवराज सिंह चौहान का घोटाला क्यों बंद हो गया, विशाल एक सीधा स्पष्ट सवाल है, विशाल विशाल एक सीधा स्पष्ट सवाल है, सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं, जो एक समय पे कट्टर करप्ट थे, जो अब कट्टर ईमानदार होते हुए नजर आ रहे हैं,
किसी तरह की कानूनी कार्रवाई आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं की गई ना। पार्टी की कार्रवाइयाँ अपनी होती है, अगर आपको लग रहा था कि आपकी पार्टी में रहते तक उन पर तमाम जो एलिगेशन लग रहे थे तो आपको भी उन नेताओं से अपनी किनारा करना चाहिए था दिखाने के लिए कि भाई हमारी पार्टी किसी भी तरह के करप्ट चेहरे को अपने साथ नहीं रखेगी। लेकिन जब तक वो आपकी पार्टी के साथ थे वो भी तब तक पाक साफ थे, लेकिन अब बीजेपी के वो साथ हो गए तो आप उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं तमाम तरह के करप्शन के। और बीजेपी तो बार बार कह रही है ना कि जी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल फिलहाल का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे थे कि जब ईडीआई तो भी हमारी सरकार नहीं थी, जब पीएमएलए कानून बना तब भी हमारी सरकार नहीं थी, जब पीएमएलए कानून के तहत तमाम जो उनकी व्यवस्थाएं उनकी शक्तियां बढ़ाई गई तब भी हमारी सरकार नहीं थी। तो अब किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते ईडी इस वक्त कहीं ना कहीं जो कार्रवाई कर रही है वो नाजायज है? देखिए कुणाल जी, अब हम उम्मीद करेंगे बीच में भाजपा का बोलेगा अपना बोलेगा तो ऑडियो डाउन कर दिया जाएगा, बात कीजिए पूरी। आपने कहा कि आपके नेताओं पर जब आरोप लगा तो क्यों नहीं हटाया? देखिए, आरोप कांग्रेस के नेता ने कभी नहीं लगाया, आरोप किसने लगाया था? बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी का कहना था कि ये लोग भ्रष्टाचारी, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। जब आप खुद कहते थे, जब आपको पता था कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर अपने पार्टी में क्यों ले लिए? अरे भाई साहब, क्यों अपने पार्टी में ले लिए? दो दिन में शारदा घोटाले, आदर्श घोटाले वाले को आदर्श उम्मीदवार बना दिया गया मात्र दो दिन में। पहले दो दिन पहले हमारे पास थे तो घोटाले पास थे, हम कह रहे हैं भैया घोटाले पास थे, उनको हम अपने पास रखे हुए थे, हम स्वीकार रहे। आप भी स्वीकारिए ना भैया कि आपने घोटाले बाज को अपनी पार्टी में लिया। दो दिन पहले तक मुंबई का नेता आदर्श घोटाले वाले था, आज आदर्श उम्मीदवार बन गया। दो दिन पहले हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस का बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था, आज मुख्यमंत्री बन गया। टी शर्ट घोटाले वाले को राज्यपाल बना दिया जा रहा है। सिंचाई घोटाले के 72,000 करोड़ को जांच बंद कर दी जा रही है। ये लोग किसी के जांच नहीं, प्रफुल्ल पटेल से जुड़े 840 करोड़ के विमान घोटाला का जांच सीबीआई ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, कैसे बंद कर दिया, किसके कहने पर बंद किया, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जवाब दीजिए भाजपा के प्रवक्ता, केवल झूठ पड़ोसी का इनके नेता ही कहते झूठ बोलो, कसकर बोलो और बोलो जितना बोलो, केवल झूठ। लेकिन अगर झूठ की राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है तो झूठ की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर भी तो लग रहा है ना सर? कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसको सत्ता से उखाड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था 2013 में, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का मूवमेंट निकलकर सामने आया था और आपकी जड़ें हिल गई थी। लेकिन आप वक्त का तकाजा देखिए कि आज आप उसी आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेताओं की जो कट्टर ईमानदारी की कस्में खाते थे, जब करप्शन के चक्कर में जेल जा रहे हैं तो आप उनके लिए शील्ड बन रहे हैं। देखिए कुणाल जी, हमने किसी का ना समर्थन किया ना विरोध किया, हमने कहा एक चुनाव मुख्यमंत्री को आप इस तरह उठाकर नहीं डाल सकते। हम कह रहे हैं जांच बैठाइए, अगर जांच में वो दोषी पाए गए, अगर सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आ गया नहीं सच में ये दोषी है, उठाकर को अरे सबसे बड़ा सजा क्या होता है, फांसी दे दीजिए, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन बिना जांच का, बिना कुछ पूछताछ का आप उसको उठाकर डाल दिए, अरे भाई साहब, कोर्ट कचहरी का मामला लंबा समय तक चलता है। अगर मान बीच एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, अगर मान लिया जाए इनका केस 25 साल तक चला और 25 साल तक फिर बोले जाएंगे नहीं, नहीं भाई अरविंद केजरीवाल जांच के बोल रहे हैं। नरेंद्र सोनी जी, अगली रणनीति क्या है आम आदमी पार्टी की? आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए कि किसी भी वक्त उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ईडी जो गिरफ्तारी की संकेत दे रही है वो तो अरविंद केजरीवाल के बयान के आधार पर, सुन लीजिए नरेंद्र जी, सुन लीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल का जांच 25 साल चला और 25 साल बाद वो निर्दोष साबित होते हैं तो क्या भाजपा उनकी 25 साल लौटाएगी? भैया ये सवाल तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी हो जाएगा, इससे पहले तमाम ऐसे नेता रहे जो जांच के केंद्र में रहे, सवाल तो यहाँ पर भी उठेगा ना। लालू जी पर दोष साबित हो तो जेल में रहे, ठीक है? लालू जी पर दोष साबित, नरेंद्र जी पर नरेंद्र जी अपनी दोष साबित, मैं आऊंगा डॉक्टर आशीष, मैं आऊंगा आपके पास, नरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। हम तो कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल का जांच क्यों बंद कर दिया गया, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, नरेंद्र जी आवाज पहुंचे तो आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल से जुड़े विमान घोटाले का जांच क्यों बंद कर दिया गया? पक्ष को और विपक्ष को, प्रफुल्ल पटेल से जुड़े विमान घोटाले का जांच क्यों बंद कर दिया गया? वहां पे दो साथी हैं, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड विशाल, सुन लीजिए नरेंद्र जी को, अकेले ही आप पूरा टाइम कंज्यूम कर जाएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं उनके नेता कब बोलेंगे? नरेंद्र जी बात पूरी कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप 25 मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा सर, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। नरेंद्र जी बात पूरी कीजिए। देखिए कुणाल भाई ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया था कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डिसाइड नहीं किया सर, अरविंद केजरीवाल का बयान है ना, जब वो कह रहे हैं ईडी जब कहती नजर आई कि भाई पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि क्या विजय नायर सीधे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक शब्द नहीं हिला, तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी में हाँ शामिल थी। ऐसा है केजरीवाल जी ने खुद कहा
नहीं नहीं कुणाल तो भाई, इसके लिए बीजेपी कहां से घेरे में? मेरी बात तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि विजय नायर सौरभ को और आशीषी को रिपोर्ट करता था, ये बयान तो 1.5 साल पहले विजय नायर दे चुका है। ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया एजेंडा है। विजय नायर ऑलरेडी ये बयान दे चुका है, तो उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान था, और देखिए उधर ईडी क्या कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पे पहले से पोस्टर बना के तैयार है। इसका मतलब ये साफ है कि ईडी के जितने भी आदेश हैं, जितनी भी प्लानिंग है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठ के की जाती है। आज सारा देश देख रहा है, इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को आप जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि 31 तारीख को रामलीला मैदान में हुंकार भरी और लाखों लोग उमड़ पड़े, इनको घबराहट हो गई बहुत ज्यादा कि ये तो अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो कौन चला रहा है आम आदमी पार्टी? तो जो सेकंड लीडरशिप है अब उसको भी उठाने का प्लान इन्होंने बना लिया है। तो ये तो सारी की सारी तैयारी भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए कर रखी है। लेकिन मैं बता दूं कि खत्म किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, उसके विचारों को खत्म नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तब राजनीति में कभी बिजली मुद्दा नहीं होता था, कभी पानी मुद्दा नहीं होता था, शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा नहीं होते थे। आज अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर जिन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जाती है वहां बिजली का वादा करने लगते हैं, पानी का वादा करने लगते हैं, शिक्षा का वादा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। आज गुजरात में भी अगर इनको एक स्कूल दिखाने के लिए बोल दिया जाए तो प्रधानमंत्री जी टेंट में एक स्कूल बना के खड़ा करते हैं और उसमें बैठ के फोटो खिंचवाना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजनीति को इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ले आई। आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है नरेंद्र जी? गिरफ्तारी के अलावा अब आगे किस तरह से पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस तरह से आप सरकार चलाएंगे? देखिए आम आदमी पार्टी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोग जो मैंडेट दिया अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी जहां रहेंगे वहां से सरकार चलाएंगे और चला रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं पाएगी। आज दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है, जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पकड़ा है इनकी सारी सीटें अब लॉस में जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के अंदर जाने से भाजपा दिल्ली के अंदर सारी सीटें हार रही है, ये मैं आपको लिख के। डॉक्टर आशीष, सीधा स्पष्ट सवाल जो नरेंद्र सोनी जी करते नजर आए कि आम भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में डालने के बाद पार्टी पूरी तरह तहस नहस हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान पे जो इंडिया अलायंस की बड़ी मेगा रैली हुई और अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह के नारेबाजी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसलिए आप जो दूसरे सेकंड लेवल का नेतृत्व है उसको भी ईडी के तहत उस पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं ताकि पूरी तरह से पार्टी नष्ट हो जाए और आपके लिए चुनाव में रास्ता साफ हो जाए। कुणाल जी ये देखिएगा, ये दिल्ली की जनता भलीभांति देख पा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो घोटाला के बाद से पहला संबंध दिया, तो ये बता संबंध दिया कि आप आके हमारे साथ जांच में सहयोग कीजिए। क्या उन्होंने जांच में सहयोग किया? 9वें समन तक वो हर समन को इवेट करते रहे, कभी ये कहते रहे कि समन गैर कानूनी है, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी क्योंकि समन गैर कानूनी है ऐसा कहीं नहीं ठहराया। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जब भेज दिया न्यायिक रिमांड पे ईडी के पास, तो इसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए कि भाई मेरी रिमांड ही गलत है, यानी कोर्ट को झूठा ठहरा दिया। इस तरह से रोज अपना गोल पोस्ट चेंज करते रहे, कभी तो कहते रहे घोटाला हुआ ही नहीं। अच्छा घोटाला नहीं हुआ तो जब आपसे बोला जी अपना मोबाइल से जुड़े सिंचाई कहते हैं बात हो गया, मुझे याद ही नहीं मेरा मोबाइल का ईडी ने बंद कर दिया। सर एक एक करके आप तीनों बोलोगे तो फिर आवाज नहीं आ पाएगी ना। विशाल जी का फेडेड डाउन किसने लिखा? दैनिक जागरण ने लिखा। विशाल प्लीज,
रिपोर्ट है, कराएंगे इनको, ये हमारे घर का रिपोर्ट नहीं है, ये भाजपा का रिपोर्ट नहीं है, दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, आपके पास मोबाइल देख लीजिएगा। ठीक है विशाल, जब आपको आपका नंबर मिलेगा तो आप बोल दीजिएगा ना। 72,000 करोड़ का घोटाला बंद, जांच बंद हो गया, रिकॉर्ड दिखाते हैं। ठीक है आप बीच में बोल रहे थे, अब सुन लीजिए बीच में बोलने का नतीजा क्या होता है। कुणाल जी नहीं चुप कराएंगे ना भोग प्रपाता, और फिर आप कहेंगे कि मैं बिहार से हूँ, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं, आप अपनी बारी भी करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर हो पाएंगे, सुन लीजिए ना उनको, फिर वो वही बात होगी जब आप अपनी बात रखेंगे, वो भी क्रॉस कमेंट करते हुए नजर आएंगे, फिर आप नाराज हो जाएंगे। बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ कुणाल जी, जब भाजपा के लोग नहीं सुन सकते तो मैं इनके बात कुणाल जी नहीं सुन सकता ना, जैसा ये करते हैं वैसा इनके साथ होना चाहिए, जैसा ये करते हैं वैसा उनके साथ होना चाहिए। ये झूठ बोलकर बीच में कूदने चले आते हैं, आपको बताता है कूदा कैसे जाता है। मैं बहुत देर तक प्रवक्ता बनकर बात कर रहा था, बिहार के लैंग्वेज में बात करना चाहूंगा, इज्जत कर रहा था, इज्जत इनको पचाई नहीं, कुणाल जी इनको आप सुन रहे हैं, उनकी बात पूरी हो गई। आशीष जी अपनी बात, बकवास तो आप कर रहे थे, बकवास तो आप करते, बोलने के समय बोलिएगा नहीं, आप इनकी आवाज बंद कराइए कुणाल जी। ठीक है विशाल प्लीज, एक सेकंड, दो मिनट दे दीजिए, विशाल प्लीज दो मिनट दे दीजिए, चर्चा के समापन का समय है सर। बोलूंगा लेकिन आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया, इन्होंने इन्होंने मेरे समय में पूरा समय मिला सर, और अभी भी आप लगातार नॉनस्टॉप बोल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है आप सुन लीजिए ना, मैंने बोला जब रोपे आप ही दोनों टीवी स्क्रीन पर, आप ही दोनों टीवी स्क्रीन पर हैं, एक एक करके अपनी बात पूरी रखिए, जब रोपे सुन रही है आम तो बबूल कहां से पाओगे। ठीक है आप इन्हें नहीं रोकेंगे तो मैं बुरा नहीं लगा कुणाल जी, होने दीजिए, जैसे भी बोला तो बुरा लग रहा है। विशाल जी अब आपकी ये बातें आशीष जी स्क्रीन पर थे ना, विशाल जी आपकी बातें आशीष जी सुन रहे थे, आप जरा उनकी भी सुन लीजिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना सर। भैया आप उस समय कहा थे जब ये हमारे बीच में बोल रहे थे, तो भी मैंने कहा था, जब ये बोले तो अच्छा, तो भी मैंने कहा था और वो चुप हो गए थे। आप तो कह ही रहे थे ना भैया, आप तो कह ही रहे थे लेकिन भाजपा के प्रवक्ता सुन नहीं रहे थे, उनको बताते हैं बीच में बोलने का नतीजा। अभी भी वो आपकी बात सुन रहे हैं, अच्छे लोग अभी वो आपकी बात ही सुन रहे हैं। ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, छोड़िए, दो मिनट दे दीजिए फिर मैं डिबेट का समापन करूंगा, दो मिनट दे दीजिए प्लीज। बताओ अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है के नहीं है, बताओ शीशमेल घोटाला हुआ के नहीं है, बताओ क्यों हुआ के नहीं है, बताओ शीला दीक्षित भ्रष्ट हुआ या नहीं, अजीत पवार जेल में क्यों नहीं गए, भ्रष्ट है के नहीं है, बताओ अरविंद केजरीवाल के साथ राज्यपाल क्यों बना, एक सवाल का जवाब दे दो, अब तुम्हारी गैरत बताओ, एक सवाल का जवाब दो, आज अरविंद केजरीवाल के साथ करते से कंधा मिला के जांच कब होगा, बता दो वो भ्रष्ट है के नहीं है, किसने उसके खिलाफ आंदोलन करते थे, कह दो जो अपन झूठे थे, 840 करोड़ का जवाब क्यों बंद हो गया, नेतृत्व सारा झूठा है, कब जेल में जाएगा, शीश महल की सही है, कह दो अरविंद केजरीवाल भी सही है, कह दो शराब घोटाला नहीं हुआ है, कहेंगे आप क्यों अजीत पवार जेल में नहीं है, आप क्यों नारायण राणा जेल में नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं कि खुद वो बेल पे बाहर हैं और आज अरविंद केजरीवाल जी की भी वो हालत चल रही है कि खुद वो बेल पे बाहर हैं और अब तो जेल भी चले गए, आदर्श घोटाले का क्या हुआ, आदर्श घोटाले का क्या हुआ, इलेक्शन लड़ने के आपके पास से जुड़े 72,000 करोड़ घोटाले क्यों जांच बंद हो गए, आईटी सेल को पैसा नहीं दे सकते आप, 40 करोड़ घोटाला क्यों जांच बंद करने के लिए किसी को, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, अरे भैया 72,000 करोड़ का जांच क्यों बंद कर दिया गया, अब तो आपको प्रमाण दिखा दिया हूँ, प्रमाण भी स्वीकार नहीं है, प्रमाण भी स्वीकार नहीं है, और हम 840 करोड़ का घोटाला का जांच बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, किसने किसके कहने बंद कर दिया, कोई सवाल का जवाब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं इनके पास, नारायण राणे जेल में कब जाएंगे, हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री किसने बनाया, हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री किसने बनाया, हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री किसने बनाया, बड़ी अच्छी पार्टी है कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए लोकसभा में, 840 करोड़ का जांच क्यों नहीं बंद, क्यों बंद हो गया, 840 करोड़ का जांच क्यों बंद हो गया, नारायण राणे जेल में क्यों नहीं है, शारदा चिटफंड घोटाले वाले कहां बैठे हुए हैं, पार्टी का कोई जांच नहीं, बुरी हालत। ठीक है जो मोदी जी कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत लेके आएंगे, अब अगली की आगे की रणनीति क्या कहती नजर आ रही है,
इंडिया अलायंस का मंच तो साझा किया गया, तमाम तरह से आरोप आपने केंद्र की सरकार पर लगाए, लेकिन अब किस तरह से आप चुनाव लड़ते नजर आएंगे? कुणाल जी, कितने क्या महज सीबीआईआईटी के दुरुपयोग की बात लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि वो नई नहीं है, वो लगातार काफी समय से आप आम जनता के बीच रख रहे हैं और बीजेपी कह रही है साफ भाई ये मौका दिया आज आपने, वो अपने तहत कार्रवाई कर रही है। प्लीज चेक कीजिए डिबेट में रिवाइंड करके, ठीक है? क्योंकि मेरे बोलने के टाइम पे आप विशाल जी को चुप नहीं करा पाए। अब सुन लीजिए, एक कमेंट ले लीजिए विशाल यादव का, उसके बाद अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूं यहां। बिहार में कहा गया है, बिहार में कहावत है, जैसा आप करे हो ऐसा पाओगे। मैं आपके बोलने के समय बोला नहीं था, चुप नहीं करा सके, कूद रहे थे तो ऐसा नतीजा मिला आपको, चुप नहीं करा सके हैं। पूरे टाइम उनके बीच में बक 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 चालू रही है, ठीक है? दो मिनट आपके लिए उम्र दराज में आपका इज्जत कर रहा हूँ, उम्र दराज में आपको बताइए, आप फर्स्ट टाइम बोल रहे थे, मैं आपको बोला बोलूंगा, मेरे समय बर्बादी ज्यादा कहलाएगी सर, चुप नहीं करा सके, ठीक है? विशाल, अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से आम जनता के बीच जाएगी और बताने और समझाने का प्रयास करेगी कि आपकी पार्टी या इंडिया अलायंस के तहत जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो ईडी सीबीआई आईटी के दुरुपयोग की बात पिछले काफी चुनाव में करते नजर आए, लेकिन मन मुताबिक नतीजे आपको अब तक नहीं मिले। अगर आप बीजेपी को अपना पक्ष रखने नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी है मेरे पास समय है, अब आप ये मत सोचिए अभी आपको आपको दिया जाएगा सर, जब तक मुझे मेरा समय नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाने दूंगा। आपको म्यूट करना है, मुझे म्यूट कर दीजिए, आपको मुझे डिबेट से निकालना है, डिबेट से निकाल दीजिए, आपके दर्शक सब देख रहे हैं। डॉक्टर आशीष, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप मुझे मेरा बोलने का समय दीजिए। आप पहले समझिए, पहले दो लोग हैं, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर आशीष कर रहे हैं और फिर भी मेरी बारी में पूरा वो बोल रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप ना ऐसे नहीं होगा सर, डॉक्टर आशीष मैं बोल नहीं दूंगा, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, नहीं सर डॉक्टर आशीष कुछ नहीं होता, आशीष सुनिए, मैंने दो मिनट अनइंटरप्टेड मांगे थे, आशीष जी बोल रहे थे, इन्होंने बोलने नहीं दिया और आपने इनका फेड आउट नहीं किया, मैं चुपचाप सुन रहा था, आशीष जी ने मेरे बीच में टांग अड़ाया, पहली बार ऐसी डिबेट हो ही नहीं पाई, आशीष जी ने मेरे बीच में टांग अड़ाया, ऐसे डिबेट होने का मतलब ही नहीं, आशीष जी बोले मैं चुपचाप सुन रहा था, मैं तो बोलने नहीं दूंगा, मैं तो बोलने नहीं दूंगा। राहुल गांधी फाउंडेशन में चाइनीज से पैसा लेते हैं, चाइना के साथ बैठ के सीक्रेट पैक्ट करते हैं, पीएम फंड में सवाल उठाने वालों के साथ खड़े होते हैं, चाइना से बैठा है, तेरे टुकड़े होते हैं, चाइना से चुप रहिए, चुप रहिए, कन्हैया कुमार को टिकट देते हैं, चुप रहिए, हर जगह देश का नाम बदनाम करते हैं, चुप रहिए, कैम्ब्रिज में जाके ज्ञान नहीं आते, वो मान सम्मान धूल करते हैं, डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर आशीष, पीएम फंड में पैसा कहां आता है, क्या पीएम फंड में पैसा कहां आता है, कुछ अता बताए नहीं, बोले चले आते हैं, कोई ईमान नहीं। बहरहाल, अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ बात सुनने के बजाय इस तरह से क्रॉस कमेंट करते रहेंगे, समय बर्बाद के अलावा कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा और मुझे मजबूरी में चर्चा का समापन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय साझा करने के लिए, लेकिन उम्मीद लगातार बार बार एक ही कर रहा हूं आपसे कि जब भी आपको मौका दिया जाए तो आप अपनी बारी में बहुत स्पष्टता के साथ और तर्कों के साथ बात रखें ताकि आम जनता आपको सुन पाए, समझ पाए, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति नहीं है, आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आप बोलेंगे कहीं ना कहीं वो आपकी पार्टी का नैरेटिव भी जनता के बीच जाएगा। बहरहाल, आज की चर्चा रणनीति में बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, नमस्कार।